हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरिटेक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AWS और उसके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। Amazon वेब सर्विस एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो Amazon के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बिजनेसेस और लार्ज एंटरप्राइजेस को, सो दैट वो अपना बिजनेस को स्केल कर सके। AWS 80% ऑफ द टॉप 500 कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। और बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन और सर्टिफिकेशन, मैं आपको पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आप अपने घर पर बैठ के रिमोट सर्वर्स के थ्रू अपने डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस कर सकते हैं अपने घर के लोकल कंप्यूटर की जगह दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे। सपोज कीजिए एक एंटरप्राइज है जिसके पास बहुत सारा डेटा है, उसे प्रोसेस करना है, बट उसके पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS से बोरो कर सकता है। AWS प्रोवाइड करता है आपको IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जैसे किसी ऐप और वेबसाइट को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो वो AWS से उसे बोरो कर सकता है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक पावरफुल, सिक्योर और रिलायबल होता है। पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को होस्ट करता है और उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। SaaS सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये एक तरह का। इसके अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कस्टमर्स तक अवेलेबल किया जाता है ओवर द इंटरनेट। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ यूज केसेस AWS सर्विसेज के। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे जैसे ऑटोमेशन आता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड बढ़ती जा रही है, तो वो लोग AWS के सर्वर्स को यूज कर रहे हैं। सेकेंड आता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारा बैकअप होता है वीडियोज और म्यूजिक का, तो वो लोग अपने डेटा को बैकअप करने के लिए भी AWS का यूज कर रहे हैं। थर्ड आता है एंटरप्राइजेस। तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ के पास नई स्किल्स हो, जैसे कि बिग डेटा, AI, ML, तो इसके लिए भी वो AWS का यूज़ कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एंटरप्राइजेस AWS को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न है ईजी साइनअप प्रोसेस। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जैसे ही आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करी आप AWS की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है सर्वर। AWS के जो सर्वर है ना, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में जितने इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उससे 6 गुना ज़्यादा इसकी अकेले की कैपेसिटी है। तो अगर आपका कभी बिजनेस एक्सपेंड होता है या कुछ होता है, तो आपको सर्विस प्रोवाइडर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, नेटफ्लिक्स जो है AWS को यूज़ करता है, तो आप इसे एक ट्रस्टेड वेंडर के तौर पर भी देख सकते हैं। थर्ड आता है प्राइजिंग। फ्लेक्सीबल प्राइजिंग एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप्स और बिजनेस इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। और माइक्रो बिलिंग पॉलिसी के तहत आप जितने GB जितना डेटा यूज़ करेंगे, खाली आपको उसके लिए ही पे करना पड़ता है। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से AWS सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं AWS कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आती है Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसके थ्रू आपको वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड एप्लीकेशन। सेकेंड आती है Amazon सिंपल स्टोरेज। इसके थ्रू आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसका बैकअप ले सकते हैं, उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड आती है Amazon रिलेशनल डेटाबेस। इसके थ्रू आप अपने डेटाबेसिस को मैनेज कर सकते हैं। Amazon माइग्रेशन हब। इसके थ्रू आप माइग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशंस और डेटाबेस एंड सर्वर्स को ऑन इट्स पब्लिक क्लाउड। Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसके थ्रू आपको एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दे दिया जाता है आइसोलेट करके, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। फोर्थ आता है Amazon AI। इसके लिए आपको Amazon की जो है वॉइस, चैट, टेक्स्टबोर्ड टेक्नोलॉजी, चैटबोर्ड टेक्नोलॉजी, ये सब यूज़ करने को मिलती है। अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि AWS क्यों पॉपुलर है, AWS सर्टिफिकेशंस में आप क्या क्या सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है और सैलरी क्या होती है। तो 18 मिलियन जॉब्स मार्केट में आने वाली है 2022 तक, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 6 लाख रुपये। और AWS प्रोफेशनल जो है IT इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, FMCG कंपनीज में अप्लाई होंगे। अब AWS जो है वो 4 तरह के सर्टिफिकेशन देता है। सबसे पहले आता है फाउंडेशनल। इसके लिए आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके बाद आप क्लाउड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। सेकेंड आता है एसोसिएट, और इसके लिए आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर और SYS ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। थर्ड आता है प्रोफेशनल। इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलप इंजीनियर बन सकते हैं। फोर्थ आता है स्पेशलिटी, और इसके लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ आप एडवांस नेटवर्किंग, बिग डेटा और मशीन लर्निंग की फील्ड में काम करते हैं। अगर आप भी अपने करियर को लीड करना चाहते हैं AWS सर्टिफिकेशन के साथ, तो आज ही एनरोल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, इसके साथ ही प्रेस करें सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड फॉलो करें हमें Facebook एंड Instagram पे।